हेलो एंड वेलकम बैक टू ड्रीम एक्सपेंचर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पैसा किस चीज़ का मिलता है, कैसे कमाओगे ज़्यादा पैसा, कैसे कमाओगे अच्छा पैसा। कभी सोचा है? नॉर्मल सब कमा लेते हैं यार, तुम्हें बढ़ना है या नहीं बढ़ना, तुम्हें अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है या नहीं पहुंचना, तुम्हें अच्छा पैसा कमाना है या नहीं कमाना, तुम्हें क्राउड से अलग कुछ करना है या नहीं, तुम्हें अलग अपनी पहचान बनानी है, तो करना है ना ये सब। तो आराम से ध्यान से वीडियो को पूरी एंड तक देखो और समझो कि सैलरी को इम्प्रूव कैसे करते हैं या इनकम को इम्प्रूव कैसे करते हैं और उसको दुगनी तिगनी कैसे बनाते हैं, 2x कैसे करी जाती है, 3x कैसे करी जाती है, वो इम्प्रूवमेंट, वो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए आपकी, कि अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो पूरी एंड तक देखो वीडियो। तो देखो यार, अगर तुम्हें भी वही 30,000-40,000 तक की नौकरियां करनी हैं और वहीं तक 3-4 साल में भी वहीं पहुंचना है, इससे ज़्यादा नहीं आगे बढ़ना, तो ये वीडियो यहीं छोड़ देना। ये वीडियो आपके लिए नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो यहीं छोड़ देना, क्योंकि मेरे को वीडियोस पे व्यूज़ नहीं बढ़ाने, मुझे उन तक पहुंचना है जो सीरियस हैं, वो मेरी वीडियो देखें, वहां शेयर हो जाए मेरी वीडियो। ऐसी मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूं कि सही में लोग सही तरीके की डायरेक्शन से काम करें और अच्छा पैसा कमा पाएँ, जो ऑथेंटिक वे है उसमें उससे कमा पाएँ। ये नहीं कि आपने ऑनलाइन वीडियोज़ देख ली, ऑनलाइन ये कमाओ, ऑनलाइन वो कमाओ, ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे कुछ नहीं कमाता, कोई नहीं कमाता, ये सिर्फ वीडियोस हैं, इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस करने का डायरेक्शन में सबको। मत हो इन्फ्लुएंस, 5 घंटे में इतना कमाओ, 10 घंटे में इतना कमाओ, 1 मिनट में ये कमाओ, इतने डॉलर कमाओ, 1 दिन में इतने डॉलर, ये वो, भाई ये सब पागलपना है, ये सब पागल बनती है, इसमें इसको छोड़ दो। बहुत अच्छे शब्द बोल रहा हूँ शायद मैं ये, पर आपको छोड़ना होगा ये सब, इन्फ्लुएंस होना बंद करो, राइट डायरेक्शन में काम करो, जो ऑथेंटिक वे है जिससे आप कुछ बनते हो उधर काम करो। ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, फ़ायदा नहीं होता। चलो मान लेते हैं 1 लाख लोगों में कोई एक कमा भी लेता है, तो आप ये भी समझो कि ये कितना सब्सटेंशियल होगा, मतलब कितने टाइम तक वो कर रहा है काम। हो सकता है एक बार तुक्का लग गया, दूसरी बार लग गया, तीसरी बार लगेगा क्या? बंदे के कैरेक्टर और उसकी स्किल्स के दम पे वो लाइफ टाइम कमा सकता है, ऐसी चीज़ें करके वो लाइफ टाइम नहीं कमा सकता, लाइफ टाइम एक अपना ग्राफ नहीं बना सकता, इम्प्रूव नहीं कर सकता, एक नॉलेज जिसे कहते हैं ना, नॉलेज नहीं हो सकती उसको किसी चीज़ की। तो वो चीज़ बनो, कैरेक्टर डेवलप करो अपना एक, मैं ये चाहता हूँ। अब देखो, स्किल्स जो होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, एक होता है फंक्शनल स्किल्स और दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल्स। मैं दोनों की बात करूंगा यहाँ पे, ताकि आपको दोनों में अंतर भी समझ आ जाए और ये भी समझ आ जाए कि क्या एग्जैक्टली चाहिए होता है, किस डायरेक्शन में चाहिए होता है कि आप अच्छा इंप्रूव कर सके। अब फंक्शनल स्किल्स क्या होती है? फंक्शनल स्किल्स होती हैं यार, जो आपका मेन स्ट्रीम काम है, जैसे मान लेते हैं आप पेड में हैं, या आप SEO के अंदर हैं, या आप CRO के अंदर हैं, एनालिटिक्स के अंदर हैं, ये आपका मेन स्ट्रीम काम है, मतलब कि आपको ये तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। अब फ्रेशर हैं तो अपने प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो को डेवलप करो, आपने कोर्स किया है कहीं से उसका सर्टिफिकेट ले लो, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्री के बहुत सारे कोर्सेज हैं, गूगल का कोर्स है, डिजिटल गैराज में स्किल शॉप है गूगल की, उसमें से करो, गूगल एनालिटिक्स का फ्री कोर्स है सर्टिफिकेट के साथ, उसका करो, उसके बाद हबस्पॉट का कोर्स है, लिंक्डइन पे जाके अपना बैज ले सकते हो, उधर से आपको लिंक्डइन से भी हेल्प मिलती है, लिंक्डइन की प्रोफाइल अपनी डेवलप करो, उसके बाद जितने भी टूल्स हैं जैसे मॉज हो गया, HRF है, सेमरश है, इंडस्ट्री के टूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी SEO में यूज़ होते हैं, उसके भी फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, वो कर सकते हो। और फ्री भी बहुत सारे टूल्स हैं और सर्टिफिकेट्स भी बहुत सारे हैं जिनको आप अपना एक पूरा प्रोफाइल अगर फ्रेशर हो तो डेवलप कर सकते हो। अब आप अगर आ चुके हो, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि पैरेलली कोर्सेज करते रहो, चाहे Udemy से करो 500-500, 400-400 रुपये के, अपनी स्किल सेट को पूरा देखते रहो कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है, ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं, नई नई चीज़ें सीखते रहो, तभी डेवलपमेंट होगी। रुकना नहीं है कि एक कर लिया उसके बाद नौकरी ले ली अब भूल जाओ, आराम फरमा रहे हैं बस, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलती, उनको लिया जाता है, उनको देखा जाता है, जो सब कुछ इनको ऑन स्पॉट पता होता है, जिनको सब चीज़ों से ट्रेंड्स के बारे में पता होता है, तो वो कैसे होगा जब आप इंडस्ट्री में बने रहोगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने 4 साल पहले कोर्स करके छोड़ दिया, अब बस आप नौकरी करे जा रहे तो ऐसा नहीं होता, आपको पैरेलली करते रहना पड़ेगा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव। और कोई भी ऐसा आदमी नहीं होता कि भाई 4 महीने में पता नहीं पूरा ही उसको ज्ञान हासिल हो जाएगा, पता नहीं कौन सा ही लेवल का, ऐसा नहीं होता, पैरेलली करते हैं सब लोग, और आपको भी पैरेलली करते रहना पड़ेगा और धीरे धीरे चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। फिर जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, 100 बारी मैं समझा चुका हूँ, प्रैक्टिकली वेबसाइट बना के उस पर काम करो, सोशल पेजेस बनाओ, चाहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करो, उस पर पेज बनाओ, लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाओ, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर
काम करो, सर्च कंसोल अपना सेटअप करो, गूगल एनालिटिक्स सेटअप करो, इन सब के KPIs मेजर करो, नंबर्स निकालो, वहाँ से अपनी एक पोर्टफोलियो तैयार करो, जो है कहीं पे भी जाओगे तो एम्प्लॉयर्स को दिखा सकते हो या खुद के लिए क्लाइंट्स के लिए दिखा सकते हो। तो अब जब तुम्हारा इतना सारा पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा, तो तुम्हारे पास इतनी सारी नॉलेज होगी, तुम्हारे पास इतने सारे दिखाने के लिए प्रूफ होंगे, तो तुम कॉन्फिडेंटली किसी भी एम्प्लॉयर से ज़्यादा मांग सकते हो। चाहे फ्रेशर हो तो स्टार्टिंग में ज़्यादा मांग सकते हो, या फिर आपका स्विच कर रहे हो किसी कंपनी से कंपनी, तो वहाँ पे भी आप कॉन्फिडेंटली तुम ज़्यादा मांग सकते हो। अब फ्रेशर ने अगर एंट्री ले लिया किसी जॉब में, तो उसको बैठे नहीं रहना कि उसको कि वहाँ पे 4 साल बिता दे अपने, नहीं, 1 साल करो, 1.5 साल करो, मैक्सिमम 2 साल करो। जब सारा सीख लिया, एक रूटीन बना लो कि सब सीख लिया, तो वहाँ से निकलो। वहाँ से निकलना ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में एक जगह बैठे रह के आप सब चीज़ नहीं सीख सकते। तो कहीं पे कुछ सीखोगे, दूसरी जगह कुछ सीखोगे, तीसरी जगह कुछ सीखोगे, तो स्विच करोगे तो ज़्यादा डायरेक्शन जो होगी आपकी वो होगी, स्विच करने पे ही पैसा ज़्यादा बढ़ेगा। कंपनी में रह गए तो हो सकता है 5-10% हाइक मिल जाए, नहीं भी मिले, स्विच करने पे चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज बेस तैयार हो जाता है, आपके पास प्रूफ तैयार हो जाते हैं, आपके काम करने के कॉन्सेप्ट प्रूफ तैयार हो जाते हैं, सब कुछ तैयार हो जाता है, तो आप कॉन्फिडेंटली अगली कंपनी में ज़्यादा पिच कर सकते हो, ज़्यादा मांग सकते हो। और कोशिश यही करो कि हमेशा ज़्यादा मांगो, ताकि अगर थोड़ा सा कम भी मिले तो वो उससे तो ज़्यादा ही हो जो वो ऑफर कर रहे थे। कि मान लो वो कहते हैं 10% दे रहे थे, आपने बोला 30, तो हो सकता है बात 20 पे बन जाए, 20% पे। तो स्विच करना चाहिए, उससे सीखना, आपको सीखने को बहुत मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता है। तो यार यहाँ तक की तो बात हो गई, और यहाँ तक भी लोग कर ही लेंगे, बहुत लोग कर लेते हैं, तो फिर डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, फिर ये 2x वाली बात कैसे हम सही कर पाएंगे, मतलब हम कैसे, ये यहाँ तक तो बहुत लोग कर लेंगे। तो अगर देखना चाहते हो तो बने रहो और देख लो एंड तक, अब हम उसकी बात करेंगे, और लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो। तो यहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है सॉफ्ट स्किल से, जो कि हमारी दूसरी स्किल। सॉफ्ट स्किल यार बहुत ज़रूरी है, इसी से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपना कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हो। ये तो हो गई फंक्शनल स्किल्स, लेकिन फंक्शनल स्किल से सारी चीज़ें नहीं होती, बिलीव मी। हर बड़ी कंपनी छोटी कंपनी में तो चल जाता है, चलो, लेकिन बड़ी कंपनीज में आप जाओगे, जैसे जैसे धीरे धीरे अप्रोच करोगे, तो वहाँ पे फंक्शनल स्किल्स तो आनी ही चाहिए, उसके साथ आपका ये पूरा कैरेक्टर देखा जाता है, पूरा आपका सॉफ्ट स्किल्स का वो देखा जाता है कि कितना आप बात करने में अच्छे हो, कितना आप प्रेजेंट करने में अच्छे हो, ये सब चीज़ें। तो सॉफ्ट स्किल्स में आपको क्या तैयारी करनी है, सबसे पहला है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है रिटन कम्युनिकेशन आपकी, आपको रिटन इंग्लिश में आपको लिखना सही से आना चाहिए, ताकि आप अपनी बात कन्वे कर सको, जो आप समझाना चाहते हो वो समझा सको। क्योंकि मैक्सिमम काम मेल्स पे होते हैं, शीट्स पे होते हैं, प्रेजेंटेशंस पे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे होते हैं, हर जगह लिखना पड़ेगा आपको, तो लिखना इज़ अ मस्ट। कॉपी राइटिंग भी आनी चाहिए, डिजिटल मार्केटर हो आप, ऐसा नहीं हो तो कि आपको लिखना नहीं आएगा, आपको थोड़ी सी राइटिंग, कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग की भी समझ होनी चाहिए। ये सब मिला के कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओरल कम्युनिकेशन, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में आपको इंग्लिश भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। बहुत बार आप बड़ी कंपनी में जाओगे, वहाँ पे डाइवर्स लोग होते हैं, क्यों आनी चाहिए, उसका रीज़न दे रहा हूँ। वहाँ पे हो सकता है बाहर के लोग भी काम करते हैं, तो कैसे काम करोगे आप, कैसे बात करोगे उन लोगों से, हो सकता है आपके स्टेक होल्डर बाहर के हैं, क्लाइंट बाहर का है, कोई भी हो सकता है। तो बहुत बार इंडिया में ही आप देख सकते हैं, बहुत बार साउथ के लोग होते हैं जो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, उनको हिंदी नहीं आती होती। तो बहुत सारी यार ये रियल ग्राउंड के आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, ऑन ग्राउंड रियलिटी है ये, तो आपको इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, तभी आपकी बात बनेगी। अब आप कैसे भी सीखो, मूवीज़ देख के सीखो, सीरीज़ देख के सीखो, जैसे मर्जी सीखो, वीडियोज़ देखो, सीखना तो पड़ेगा। दूसरा है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए, हर चीज़ प्रेजेंटेशन के थ्रू होती है बड़ी कंपनीज़ में, छोटी कंपनीज़ में ऐसा नहीं होता, लेकिन बड़ी में होता है। और सारे स्टेक होल्डर्स प्रेजेंटेशन मांगते हैं, हो सकता है आपका क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, हो सकता है आपको अपना रिजल्ट्स डिस्प्ले करने हैं, उसकी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, मार्केटिंग कैसी चल रही है उसकी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। तो हर चीज़ क्लाइंट से लेके, स्टेक होल्डर से लेके, मैनेजर से लेके, कभी कभार डायरेक्टर तक, सब जगह आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं। तो अपना MS पावर पॉइंट हो, चाहे कैनवा के ऊपर डिज़ाइन कैसे होती है चीज़ें, एक सटल फॉर्मल डिज़ाइंस कैसे तैयार होते हैं, प्रेजेंटेशंस कैसे रेडी होती हैं, उनको आप सीखते रहो पैरेलली। उसके बाद तीसरा है एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स में सबसे पहले मैं हर बार बोलता हूँ, एक्सेल आपको आना चाहिए, गूगल शीट्स आपको आना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग का मोस्ट ऑफ द टाइम काम सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर होता है, आपका मेजर टाइम, मेजर चंक आपका 60-70% टाइम आपका शीट्स के ऊपर जाएगा। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सेल की चीज़ें, फंक्शंस वगैरह आने चाहिए। तो ये कोई एक महीने का काम नहीं है कि आप सीख जाओगे,
आप कोर्स करो इसका अगर नहीं आता, आपको पैरेलली इसको करते रहना पड़ेगा, डेवलप करो। मैं बार बार बोलता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने बोला है एक्सेल पे काम करो, गूगल शीट्स पे काम करो, दोनों पे गूगल शीट्स के एक्सटेंशंस यूज़ होती हैं कि उस पर API वगैरह यूज़ होते हैं, वो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है। लेकिन ग्रेजुअली आपको एक्सेल से शुरू करना है और फिर ये सब चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ेगा कि फंक्शंस कैसे इस्तेमाल होते हैं, बड़े डेटा को एनालाइज कैसे किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो प्लीज़ उस पर काम करो, वरना आप आगे इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, सैलरी तो भूल जाओ। उसके बाद लास्ट, बिजनेस की समझ रखो। हमारे पहले वाले पॉइंट से ही ये वाला पॉइंट आता है, बिज़नेस की समझ होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो किस तरीके से अलाइन हैं बिज़नेस ग्रोथ से। तो आप अपने पीयर्स से बात करो, अपने साथ वालों से करो, अपने नेटवर्क बनाओ। मार्केटिंग में हो आप, अपने सेल्स वालों के साथ बात करो, नेटवर्क बनाओ, मैनेजर से पूछते रहो। तो क्वेश्चंस पूछोगे जितने, उतने आपको जवाब मिलेंगे और आपको समझने में ईजी होगा कि बिज़नेस कैसे वर्क कर रहा है। आपने मार्केटिंग करी, उससे क्या एफर्ट्स आपने जो किए, उससे क्या रेवेन्यू आया, या फिर क्या लीड्स आई, या फिर वो CRM में कैसे जा रही हैं, है ना, या फिर ये पूरा जो एक जिसे कहते हैं मार्केटिंग से लेके सेल्स तक का जो पूरा कन्वर्जन है वो कैसे हो रहा है, मार्केटिंग से सेल्स का कन्वर्जन रेट क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि यही नंबर्स आपके प्रोफाइल में ऐड होंगे। लोग तो अभी प्रोफाइल में वो नंबर्स ही ऐड नहीं करते जिससे एक्चुअल चीज़ें और अच्छी सैलरीज, अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो ये नंबर्स बहुत ज़रूरी हैं आपके पता होने। यही सब प्रोफाइल आपकी लिंक्डइन में, आपके रिज्यूमे में ये नंबर्स चाहिए। वहाँ ये नहीं चाहिए कि मुझे SEO आता है, मुझे ऑफ पेज आता है, मुझे फेसबुक ऐड चलाना आता है, मैं ऐसा कैंपेन बना, वहाँ यही सब नहीं चलता। वहाँ चलता है कि आपने अपने प्रीवियस या करंट एम्प्लॉय स्टेट में आपके काम से क्या कंपनी को फ़ायदा हुआ, नंबर्स में क्वांटिटेटिव क्या फ़ायदा हुआ, क्या कन्वर्जन रेट आया, क्या क्लिक थ्रू रेट आया, क्या लीड्स आई, ये सब, या फिर उससे फिर क्या रेवेन्यू आया, या फिर आपने कितना पेड का बजट हैंडल किया है, ये सब चलता है। और ये सब रिज्यूमे में ऐड करना होता है, ये सब लिंक्डइन अकाउंट पे ऐड करो। ये सब चीज़ करोगे तो बिलीव मी, एक मैच्योरिटी डेवलप होती है। आप अपने जो भी आपके एनवायरनमेंट में जहाँ पे भी आप काम कर रहे होगे, आपकी नज़र में आना शुरू हो जाओगे आप सबकी। और जब नज़र में आते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो। चाहे हो सकता है कोई वो एक अच्छी पोजीशन निकली हो आपकी कंपनी में जिसको आप ले सकते हो, या फिर स्विच करो, दूसरी कंपनी में पोजीशन देखो, और इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में काम करते रहोगे तो जल्दी ही इम्प्रूवमेंट भी होती है, ग्रोथ भी होती है, वो पोजीशन भी आप ले सकते हो, वो कैरेक्टर भी बनेगा, वो नॉलेज बेस भी डेवलप होगा, लोग आपको चांस देना शुरू कर देंगे, आपके मैनेजर्स आप पे ट्रस्ट करेंगे, आप अगर क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो वो ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर, और इसी तरीके से आप एक नेटवर्क में आ जाओगे जिसमें ग्रोथ होना पक्का पॉसिबल है और हो के रहेगी, बिलीव मी। तो आज के लिए बस इतना ही, होप वीडियो आपकी हेल्प करे, और शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलना। और मैं हूँ युवराज, ड्रीम एक्सपेंचर्स में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बन रहो मेरे साथ।